असलम डे स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर थ्री का सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और वो है माइम्स एंड एनालॉग गेम्स और हम ये देखेंगे कि ये क्या होती हैं और हम क्लासरूम में इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो so, माइम्स जो है वो एक्चुअली ड्रामे की एक फॉर्म है और उसके अंदर बहुत से ऐसे करेक्टरस्टिक मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के जो ड्रामा एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं डेफिनेटली इसके अंदर एक स्टोरी होती है उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर कोई करेक्टर होता है Uh, जिसके रोल प्ले बच्चे कर रहे होते हैं लेकिन माइम इज़ अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ ड्रामा क्योंकि ये नॉन वर्बल है और इसके अंदर कोई डायलॉग मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होता या हम डायलॉग का इस्तेमाल ही बिल्कुल नहीं करते वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते इट्स नॉट अ वर्बली रिटन ड्रामा इन रियालिटी जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें कोई वर्ड्स मौजूद नहीं होते देट्स अ रीज़न इट्स वेरी डिफरेंट और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आती हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं पहली चीज़ ये आती है कि हम फिज़िकली इसको एक्सप्रेस करते हैं और हम अपने चेहरे के थ्रू एक्सप्रेशन लेके आते हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली ड्रामा में क्या होने जा रहा है माइंड में क्या चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं जब हम माइंड बच्चों के साथ कर रहे होते हैं तो बच्चे अपने एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लार्जली और लाउडली ले आते हैं यानी कि एक सिंपल सटल तरीके से एक्सप्रेस करने की जगह उसे एक्स्ट्रा बना के दिखाते हैं ताकि देखने वालों को नजर आ सके और समझ आ सके uh, ये आप बहुत सी चीज़ें इसके अंदर बच्चों को कह सकते हैं जो आपको बहुत ही क्लियरली दिखाएंगे मिसाल के तौर पे बच्चे अगर बहुत देर से क्लास में बैठे हैं तो आप उन्हें कहीं जमाई ले कर दिखाएँ तो बड़े ड्रामेटिक अंदाज से जमाई ले कर दिखाएंगे आँखों का एक एक्शन uh, बनाएंगे और बताएँगे कि क्लास कितनी बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है या बहुत देर हो चुकी है uh, इसके थ्रू माइम्स के थ्रू बच्चे जो हैं दे अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट कि वो क्या हैं उनके इमोशंस क्या हैं और वो किस तरीके से फ़िज़िकली एक्सप्रेस होते हैं दैट इज़ अ वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड वे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमारे पास माइम्स में थीम्स आते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं जिसके अंदर एक्शन करके दिखाया जा सकता है कोई चीज़ हो रही होती है जिसे वो फिज़िकली करके बताते हैं जैसे गाड़ी चला रहे हैं और अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं कभी दाएँ देख रहे हैं कभी बाएँ देख, देख रहे हैं किसी को स्माइल कर रहे हैं और किसी को गुस्सा दे रहे हैं तो अपने चेहरे की जस्टर से वो एक्सप्रेशन को दे सकते हैं और इसके थ्रू Uh, हम माइम्स जो हैं वो क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे जब माइम्स करते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी है उनकी सोशल और उनकी क्लास और डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शन के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है छोटे बच्चे तो बहुत करते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर वो सेटिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं जिसके थ्रू हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो जेस्टर हैं वो हमारे चेहरे पे कम से कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने गुस्से का इजहार कोशिश करते हैं चेहरे से ना करें लेकिन बच्चे बड़े क्लियरली करना शुरू हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी लाउडली एक्सप्रेशन जो है वो चेहरे से दिखाए जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम कितने खुश हैं कितने उदास हैं या हम खौफजदा हैं या हमें बहुत बुरा लग रहा है आ, ये कॉमन एक्सप्रेशन है जो कि बहुत ही आराम से समझे जा सकते हैं देखने के बाद कि अगला बंदा कर क्या रहा है या वो दिखाना क्या चाह रहा है आ, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सप्रेशन को फेशल एक्सप्रेशन को आ, ये ना सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं ऑफ कोर्स फिर हमारी एक्टिंग को आ, भी बेहतर करते हैं और लिटरेचर में बहुत से करेक्टर्स को समझने में भी बहुत बेहतरी आ जाती है बॉडली मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम माइम्स कर रहे होते हैं कि मूव कैसे किया जा रहा है uh, अगर आप किसी बम्पी जगह पे आपकी गाड़ी जा रही है तो आप उछल रहे हैं आपके कंधे कैसे हिल रहे हैं तो आप अपनी बॉडीली मूवमेंट से बताते हैं या आपकी चाय की प्याली और हाथ काँप रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई uh, जलजला आ रहा है या कोई चीज़ है जो इम्बेलेंस हो रही है और आप अपनी बॉडी के एक्सप्रेशन से उन चीज़ों को बताते हैं कि वो आपको कैसे फील हो रही हैं आप स्लो वॉक कर रहे हैं या बहुत ही उछलते हुए वॉक कर रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं अगली चीज़ आएगी आपकी जस्टस क्या हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर uh, जस्टस के अंदर आती है हाथ है, मिलाना या किसी को वेव करना अब जस्ट जो है या पिन पॉइंट करना अब ये तमाम जस्टस आपने चार्ली चैपलन की जो मूवीज़ हैं उसके अंदर देखे होंगे एंड इट इज़ ऑल माइंड जिसमें कोई एक्चुअली वर्ड्स नहीं है एवरी थिंग इज़ एक्सप्रेसिंग थ्रू द फ़िज़िकल एक्सप्रेशन एज़ वेल एज़ इमोशनल एक्सप्रेशन और ये कल्चरली कुछ हमारे जस्टर्स एक्सेप्टेबल है होते हैं कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होते माइम्स uh, के अंदर हम स्पेस को भी uh, इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि जो शख्स मुझसे दूर खड़ा है uh, और वो पीछे होके खड़ा है या उसने अपने बॉडी का जस्टर ऐसा बनाया है तो पता चलता है कि वो मुझसे नाराज़ है या वो मेरा दोस्त नहीं है तो हम इस्पेस का भी इस्तेमाल माइम के अंदर बड़ी ही क्रिएटिव तरीके से करते हैं तो माइम इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे use literature as a game in a children's classroom.